अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम गोलगप्पे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम गोलगप्पों के लिए पानी बनाएंगे। मैं दो तरह के पानी बना रही हूँ, और सबसे पहले हम हरे मसाले वाला पानी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक हरी मिर्च ली थी, उसको काट लिया था। अब इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा पानी और हसबे ज़ायका नमक, और अब इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में मिक्स कर देंगे। अब दूसरा इमली का पानी बनाएंगे, उसमें मैंने नमक डाला है हसबे ज़ायका, हाफ टी स्पून धनिया और ज़ीरा, और अब पानी डालकर इनको भी ब्लेंड कर लेंगे। पूरी के लिए आटा बनाएंगे, मैंने सूजी और मैदे को सेम क्वांटिटी में लिया है, 3 टेबल स्पून, और उसमें 1-2 चुटकी सोडा मिलाकर इसको अच्छे से पानी से गूंद लेंगे। तेल लगाकर 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। आटे को पतला बेल लेंगे। और अब इसको गोल शेप में काट देंगे। आपके पास कुकी कटर हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, मैंने बोतल का ढक्कन लिया है। अगर कुकी कटर ना हो तो आप भी ऐसे ढक्कन से काट लीजिएगा। अब पूरियों को फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। चमचे की मदद से पूरी को नीचे ऑयल में कर दे ताकि वो अच्छे से फूल सके। अब हम पानी पूरी को सर्व करेंगे। मैंने स्टफिंग के लिए आलू बॉईल करके उनको चाट मसाले में मैश कर लिया था, और अब वो इन पूरियों में भरेंगे। और ये जो हमने शुरू में दो पानी बनाए थे उनको मैंने छान कर चाट मसाला और मज़ीद पानी ऐड कर लिया था उनमें, और इन दोनों पानियों को मिक्स कर देंगे। तैयार हैं हमारे गोलगप्पे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।